नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। आजम से मिलने पहुंचे अखिलेश, जेल से छूटने के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं आजम खान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार सुबह पार्टी के कदावर नेता आजम खान से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। आजम खान के अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। इससे पहले अखिलेश यादव और आजम खान के बीच तल्खी व मनमुटाव के कयास लगाए जा रहे थे। बताते चलें कि सपा विधायक आजम खान की तबीयत बीते दिनों अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से उनका यही इलाज चल रहा है। शनिवार देर रात सांस में तकलीफ होने पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल के मेडिसिन विभाग में उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शनिवार देर रात 3 बजे अब्दुल्ला खान अपने पिता आजम खान को सांस लेने के तकलीफ की शिकायत को लेकर पहुंचे थे। यहां डॉक्टर की टीम ने उनके स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें मेडिसिन विभाग में भर्ती कर लिया है और इलाज जारी है। हालांकि इस मामले में अस्पताल के डॉक्टर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बता दें कि 27 महीने सीतापुर जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह 20 मई को अग्रिम जमानत के आधार पर बाहर आए हैं। जेल में रहने के दौरान भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं बीते वर्ष मई में उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया था। हालत अधिक खराब होने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद से ही अखिलेश और आजम के बीच नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। एक और जहां कांग्रेस और बसपा समेत अन्य दलों के नेता आजम से जेल में मिलने पहुंचे, तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला ने भी कई बार इशारों में अखिलेश पर आजम का साथ न देने के लिए निशाना साधा। जब आजम खान जेल से रिहा हुए, तब भी शिवपाल यादव जरूर उन्हें लेने सीतापुर जेल पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव वहां नहीं गए। इसके बाद लखनऊ विधानसभा में हुई सपा की विधायक दल की बैठक में भी आजम खान शामिल नहीं हुए, तो दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आप सभी का इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।